जी ये सुजुकी हाईरूफ है 2000, ये 13 का मॉडल है। गाड़ी की कंडीशन की बात हमें टोटल जेनवन देखने को मिल रही है। डाई हार्सू हाई जेट हमारे सामने आ चुकी है और ये गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। तो ये हुंडई सेंट्रो हमारे सामने है और बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी है मौजूद। जी ये डाई हार्सू कोरे है 2008 का मॉडल है, गाड़ी आउटसाइड से शावर है। जी ये टोयोटा करोला GLI 2009 का मॉडल, गाड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में मौजूद। 2005 का मॉडल है। अच्छा जी गाड़ी की आउटसाइड की कंडीशन की बात करते चलें तो आउटसाइड से गाड़ी हमें शावर में, सेल्टो हमारे सामने है। 2012 का मॉडल की ये सुजुकी बोलान है और गाड़ी में कलम टचअप कह सकते हैं, इसके अलावा कोई मेजर पीस वगैरह शावर नहीं है। सुजुकी बोलान है 2022 का मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सुजुकी हाईरूफ है 2000, ये 13 का मॉडल है। गाड़ी की कंडीशन की बात करें तो गाड़ी जो हमें टोटल जेनवन देखने को मिल रही है, बाकी बहुत कम चली हुई है गाड़ी। पूरी गाड़ी आप भाई को वीडियो में दिखाते हैं, उसके बाद ओनर के साथ मिलकर प्राइस के गाड़ी की वो भी आप भाई के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये गाड़ी आप लोग चेक कर सकते हैं, वाइट कलर में गाड़ी मौजूद है सुजुकी बोलान। और मैं अपनी मेन वीडियो में सबसे पहले एक बोलान ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि बोलान की मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ। बाकी कोशिश करेंगे अपनी एक वीडियो में जो है ना, मेन वीडियो में एक बोलान भी ज़रूर ऐड करें आप भाइयों के लिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की टायर्स की तरफ से, क्योंकि जो नॉर्मल स्टेपिंग वाले टायर्स गाड़ी के अंदर लगे हुए तकरीबन कह सकते हैं यार फ्रंट वाले टायर जो हैं 50% के आसपास गुड कह सकते हैं, बाकी बैक वाले टायर जो हैं 70% के आसपास गुड हैं इस गाड़ी के। बाकी आ जाते हैं फ्रंट की साइड पर, यहाँ पर देख सकते हैं इस गाड़ी की लाइट्स हमें बिल्कुल साफ मिल रही हैं। बाकी सपोर्ट गार्ड भी इस गाड़ी में लगा हुआ है और सेकंड लाइट भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ है। विंड स्क्रीन की बात करें तो विंड स्क्रीन भी इस गाड़ी की हमें साफ सुथरी देखने को मिल रही है। 2013 का मॉडल सुजुकी बोलान चाहिए। तो ये गाड़ी की जो है ड्राइवर साइड है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं गाड़ी की बॉडी, और कोई स्क्रैचेज नहीं मिल रहे हमें इस गाड़ी में, बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। गाड़ी पूरी की पूरी जेन्युइन मिलेगी, 2013 का ये मॉडल है। अच्छा ये तो आ जाते हैं गाड़ी की बैक साइड पर, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस गाड़ी की लाइट्स हमें बिल्कुल साफ मिल रही है। यहाँ बैक साइड पे भी हमें सपोर्ट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और ये इस गाड़ी की जो है बैक स्क्रीन है ये भी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। अच्छा ये तो आ जाते हैं अभी पैसेंजर साइड पे, तो यहाँ से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मिल रही है हमें देखने को। तो अभी इस गाड़ी के जो इंटीरियर को थोड़ा चेक कर लेते हैं। ओके तो इंटीरियर से गाड़ी पूरी जेन्युइन है और जेन्युइन कंडीशन में, कोई बूफर वगैरह नहीं है, अल्ट्रेशन नहीं की हुई, मॉडिफाइड नहीं की हुई, बिल्कुल जेन्युइन की जेन्युइन गाड़ी है मौजूद है। और बहुत कम चली हुई है, अभी ओनर से पूछेंगे गाड़ी है टोटल चली हुई कितना है, क्योंकि ओनर बता रहे थे बहुत कम चली हुई गाड़ी है। बाकी आप लोग देख सकते हैं सील्स इस गाड़ी की, नट्स देख लें इस गाड़ी के, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा फ्रंट वाले डोर की तरफ, यहाँ से देख लें इस गाड़ी की सील्स बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरी। ये चीज़ें चेक करने वाली होती हैं गाड़ी में। ये सुजुकी बोलान है 2013 का मॉडल, कोई टाइप सिस्टम नहीं लगा हुआ, बिल्कुल जेन्युइन डैशबोर्ड सीट्स देख लें इस गाड़ी की। बाकी ड्राइवर साइड वाला डोर भी मैं आप लोगों को जो है खोल के दिखा देता हूँ। सुजुकी बोलान अच्छी गाड़ी, साफ़ सुथरी गाड़ी, मिलना बहुत मुश्किल होती है। बाकी देख लेते हैं की प्राइस क्या है, और तकरीबन ये 44,000 किलोमीटर जेन्युइन गाड़ी चली हुई है, थोड़ा उस करके दिखा देता हूँ। 44,000 किलोमीटर गाड़ी ये चली हुई है। बाकी बढ़ते हैं ओनर की तरफ और पूछते हैं गाड़ी की प्राइस क्या है और कितने में देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड रखी है इस गाड़ी की आपने? इसकी 11,75,000। 11,75,000 2013 का मॉडल। जी जी, गाड़ी टोटल जेन्युइन है सर? जी टोटल जेन्युइन है, 44,000 चली हुई। 44,000 जेन्युइन चली हुई है गाड़ी टोटल। अच्छा जी, इस पेपर इस गाड़ी के क्लियर है? जी सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ क्लियर, टैक्स वगैरह सब क्लियर है, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है सर इस गाड़ी की, घर पर रखी। ठीक है, इसकी एवरेज सर क्या रहती है, कोई घर के लिए परचेज करना चाहे अगर गाड़ी है? इसकी एवरेज है तकरीबन 17-18 देती है, 17-18 पर लीटर के हिसाब से दे दी। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दें। 03664-62654। नाम सर आपका? मोहम्मद वलीद। कहाँ की लोकेशन वलीद भाई? नॉर्थ कराची अजमेर नगर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से गाइड कर लीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, डाई हार्सू हाई जेट हमारे सामने आ चुकी है और ये गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में। तो चलें बढ़ते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ, पूरी गाड़ी आप भाई के साथ शेयर करते हैं और फिर उसके बाद उनके साथ मिलकर डिटेल क्या है वो भी शेयर कर देते हैं। अच्छा ही तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ,
तकरीबन 70% के आसपास टायर्स इस गाड़ी की गुड कंडीशन में मिल रहे हैं। नॉर्मल सेफ्टी वाले टायर्स गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। और इस गाड़ी की फ्रंट साइड की लाइट्स की बात करें तो लाइट्स हमें बिल्कुल साफ़ मिल रही है देखने को, ग्रिल भी साफ है और ये सेकंड लाइट भी इस गाड़ी की हमें साफ़ मिल रही है देखने को। विंड स्क्रीन की बात करें तो विंड स्क्रीन भी हमें साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। और ये इस गाड़ी का बोनट आ जाता है और यहाँ पर सिर्फ रेडिएटर मिलेगा, इस गाड़ी का इंजन जो है और इस गाड़ी की जो सीट्स हैं उसके नीचे मिलेगा। ये साइड्स हैं गाड़ी की और पैसेंजर साइड जिसे कहा जाता है, ये बिल्कुल साफ़ है। हल्के फुल्के नीचे से रगड़ नज़र आ रही हैं लेकिन कोई मेजर काम नहीं है, कलम वगैरह हो सकती है। डायट्सू हाईजेट है। और बैक साइड की टायर्स की बात करें तो सेम ही कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं, 70% या 60% के आसपास गुड कह सकते हैं। और बैक कैमरे का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल रहा है, बैक लाइट्स वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं इस गाड़ी की। ये इस गाड़ी की जो है बैक स्क्रीन है, यहाँ पे बैक वेपर का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। डायट्सू हाईजेट कार्गो और नो डाउट गाड़ी मशल से अच्छी कंडीशन में देखने को मिल रही है। ये देख लें इस गाड़ी की ड्राइवर साइड, यहाँ से भी कोई स्क्रैचेस नहीं है, बिल्कुल साफ है। बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। ये इस गाड़ी का इंटीरियर है और ये बैक स्पेस देख लें, यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट वगैरह इंस्टॉल हो सकती हैं। और ये सीट्स देख लें इसमें इस तरह की आती हैं, दोबारा मेरे ख्याल में रीइंस्टॉल करवाई हुई हैं। और नो डाउट गाड़ी माशाल्लाह से इंटीरियर से अच्छी है, साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। LCD पैनल वगैरह लगा हुआ है इस गाड़ी में। ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड है। अच्छा, ये तो इस गाड़ी का जो मॉडल है वो 2011 है, रजिस्ट्रेशन 2016 की है। और नो डाउट गाड़ी अच्छी कंडीशन में मौजूद है। सर कितना चली हुई है तकरीबन गाड़ी ये? 1 लाख चली हुई अपने इंजन में, 660 cc। AC वगैरह वर्किंग है सर? डॉक्यूमेंट्स में क्लियर है सर गाड़ी? कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी में नहीं? इसके एवरेज वाइज क्या रहती है पायलट के हिसाब से अगर घर के लिए परचेज करना चाहे तो? एवरेज इसकी 14 से 15 होती है। 14-15 हो जाती है, ठीक है सर जी। इसकी प्राइस क्या है वैसे? से अभी डिमांड जो हमारी है वो 14 लाख है। अच्छा, इसमें कोई गुंजाइश हो जाएगी सीरियस बायर अगर कॉन्टेक्ट करे तो? गुंजाइश हो जाएगी अगर आपके थ्रू आएंगे तो जी, उसमें आपका चैनल का हवाला देंगे जी, उसमें कर देंगे। चलें जी, हमारे चैनल के थ्रू कोई भी आएगा तो उसमें भी थोड़ी बहुत कंसेशन हो जाएगी, डिमांड में कमी पेशी हो जाएगी। बाकी गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी कंडीशन में है और बेहतर तो आप लोग जब लेते वक्त चेक करेंगे तो आप लोगों को बेहतर पता चल जाएगा। और गाड़ी वैसे टचअप की कंडीशन में है, बाकी इंटीरियर इस गाड़ी का पूरा जेन्युइन है। 11-16 का ये मॉडल है। बाकी चेक कर लें गाड़ी को, पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो है, 660 cc, ऑटो ट्रांसमिशन में। सर अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0300 0300 2727 0179 0179। क्या नाम है आपके सर? राव जावेद नाम। राव जावेद, कहाँ की लोकेशन जावेद भाई? मलीर 15 की लोकेशन, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से गाइड कर लीजिएगा, बाकी पूरी मालूम दे दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, ये टोयोटा करोला GLI 2009 का मॉडल, गाड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में मौजूद है और गोल्डन कलर में। 2009 की गाड़ी है ये GLI और टचअप में है। बाकी पूरी गाड़ी आप भाई के साथ शेयर करते हैं रिव्यू में। और सबसे पहले हटते हैं टायर्स की तरफ। लायर में हमें देखने को मिल रहे हैं इस गाड़ी में तकरीबन कह सकते हैं 60% के आसपास टायर्स इस गाड़ी की गुड कंडीशन में मौजूद हैं। आ जाते हैं लाइट्स की तरफ। ये इस गाड़ी की लाइट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, फ्रंट लाइट्स बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। और ग्रिल साइड भी इस गाड़ी की देखते चलें आप लोग। ये इस गाड़ी की सेकेंड लाइट है। बम्पर की फिटिंग भी आप लोग साथ साथ देख लें। आ जाते हैं विंड स्क्रीन की तरफ। ये इस गाड़ी की विंड स्क्रीन है, कोई टूटी हुई स्क्रैचेस नहीं है, क्रैक नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ये बोनट साइड भी इस गाड़ी की देखते चलें। 2009 की टोयोटा करोला GLI है और नो डाउट गाड़ी मशल से अच्छी कंडीशन में मौजूद है। साइडें इस गाड़ी की देखते चलें, कहीं इसके स्क्रैचेस नहीं मिलेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। गाड़ी टचअप में है, पूरी गाड़ी शावर्ड नहीं है, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर लीजिएगा जब आप लोग गाड़ी परचेज करने आए तो। इस गाड़ी की बैक लाइट्स हैं, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है हमें। सेकेंड लाइट्स है, ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। और आ जाते हैं बैक साइड की स्क्रीन की तरफ। ये भी हमें बिल्कुल साफ़ मिल रही है देखने को। GLI टोयोटा करोला GLI का लोगो मिल रहा है हमें देखने को। 2009 का मॉडल है। आ जाते हैं पैसेंजर साइड पे। ये इस गाड़ी की पैसेंजर साइड है, यहाँ से भी देख लें इस गाड़ी को।
बैक साइड के टायर भी देख लें साथ साथ, फुटबेरी साइड देख लें इस गाड़ी की। 2009 की टोयोटा करोला GLI है। बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ। ये इस गाड़ी का इंटीरियर है, डोल इस गाड़ी की बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है। और सीट्स की बात करें तो लेदर का वगैरह सीट्स पे मिल रहे हैं देखने को। इंटीरियर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है। और एक एंड्रॉइड पैनल वगैरह लगा हुआ इस गाड़ी में। तो बढ़ते हैं अभी इंजन रूम की तरफ और इंजन रूम भी शेयर कराए थे आप भाई के साथ, उसके बाद ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या गाड़ी की वो भी शेयर कर दूँगा। रूम खोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इस गाड़ी का इंजन रूम है 1.3 1300 cc इंजन में। और ये इस गाड़ी के अंदर बैटरी न्यू इंस्टॉल करवाई हुई है एक साइड की, हम साइड की मुक्कियाँ चेक कर सकते हैं। ये इंजन है इस गाड़ी का। और ये इस गाड़ी की जो है फ्रंट साइड की कार्डरी पट्टी साइड से कहा जाता है। और इसकी टिकली जो है, टिकली आप लोग इधर उधर इंजन रूम में ढूंढने की कोशिश ना करें, ये आपको डिग्गी में मिलेगी। टिकली यहाँ पे नहीं होती GLI 2009 के मॉडल की, 2009-10-11 के मॉडल की। अच्छा जी, तो बढ़ते हैं ओनर की तरफ, पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस डिटेल वगैरह। सर कितना चली हुई गाड़ी टोटल? तकरीबन 82,000 किलोमीटर जेन्युइन चली हुई है। बाहर से गाड़ी टचअप में है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में क्लियर है सर गाड़ी है। कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज AC वर्किंग है सर इस गाड़ी का। एवरेज वाइज क्या रहती है, कोई घर के लिए गाड़ी परचेस करना चाहे अगर ये, तो पर लीटर के हिसाब से क्या देती होगी? 12-13 के हिसाब से देती होगी ये तकरीबन, 14-15 के हिसाब से देती है। ठीक है सर जी, डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? 21 लाख रुपये। कुछ कमी पेशी हो जाएगी सीरियस बायर अगर कॉन्टेक्ट करे तो, या फाइनल प्राइस है ये? फाइनल है, बिल्कुल फाइनल है। कुछ कमी पेशी नहीं हो सकती अगर कॉन्टेक्ट करे तो, या हो जाएगा? करे तो हो जाएगा। ठीक है सर जी, नंबर अपना शेयर कर दीजिएगा, अपना फ़ोन नंबर दे दें जो आपके इस्तेमाल। फ़ोन नंबर अपना याद नहीं है क्या सर? अरे फ़ोन नंबर बता देना लाजमी है, क्योंकि कोई अगर आपसे कॉन्टेक्ट करता है तो फिर वो किस तरह कॉन्टेक्ट करेगा, रब्ता किस तरह करेगा, बस ये कोशिश कर देंगे नंबर अपना दे दें। कौन सी सिम है? भाई का नंबर ले लेता हूँ, भाई के साथ शेयर कर देता हूँ फिर। अच्छा जी, तो राशिद भाई का नाम है 03216-2691-904। लोकेशन कहाँ की राशिद भाई? ये टीनाटी की लोकेशन है। ठीक है राशिद भाई, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कॉल आया तो फिर अपने हिसाब से आप गाइड कर लीजिएगा, बाकी पूरी डिटेल वगैरह ऐड कर दी आपकी गाड़ी की। ठीक है सर, थैंक यू। शानी अस्सलाम वालेकुम जी, ये डायट्सू कोरे है, 2008 का मॉडल है। गाड़ी आउटसाइड से शावर है लेकिन इंटीरियर से पूरी गाड़ी ये जेन्युइन मिलेगी। जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई कोरे के कोई अच्छी गाड़ी कोरे ऐड करे, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं। गाड़ी साफ सुथरी है लेकिन आउटसाइड से गाड़ी शावर है, बाकी पूरी गाड़ी की कंडीशन आप भाई के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद ओनर के साथ मिलकर प्राइस के गाड़ी की वो भी आप भाई के साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ। टायर्स इस गाड़ी के चेक कर सकते हैं आप, तकरीबन कह सकते हैं 80-90% तक गुड टायर्स गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। विंड स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं, विंड स्क्रीन इस गाड़ी के हमें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। आगे जी बोनट की साइड पर, यहाँ पे भी ये कर सकते हैं, गाड़ी में कोई स्क्रैचेस नहीं है और कोई लाइंस नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में। सेकंड टायर की बात करें तो ये भी हमें बिल्कुल साफ मिल रहा है, चारों टायर इस गाड़ी के सेम ही कंडीशन में देखने को मिलेंगे जी। तो लाइट्स वगैरह आप देख लें, इस गाड़ी की लाइट से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। आ जाते हैं इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल साइड पे, यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। गाड़ी 2008 की है, डायट्सू कोरे है। ये इस गाड़ी की जो है ड्राइवर साइड है, यहाँ से चेक कर लें, कहीं से रस्ट नहीं है, जंग नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी ये मौजूद है। अच्छा जी, तो अभी बढ़ते हैं बैक साइड की तरफ। ये इस गाड़ी की बैक साइड है, बैक लाइट्स वगैरह चेक कर लें, बैक बम्पर से देख लें इस गाड़ी को, बैक स्क्रीन देख लें इस गाड़ी की। टायर सुकोरे 2008, बाकी डिगी वगैरह भी खोल के चेक करा देते हैं। अच्छा ही, तो ये चेक कर सकते हैं डिगी की सील्स, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। और यहाँ से देख लें कंडीशन, स्पेयर व्हील पाना चेक वगैरह सब मौजूद है। और थोड़ा सा ये जो है बैक साइड की सेटिंग है, थोड़ा सा आउट हुई हुई है। और ये देख लें इस गाड़ी की जो सेकंड लाइट, यहाँ से भी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ये पैसेंजर साइड, यहाँ से भी देख लें, कहीं से लाइन स्क्रैच नहीं है,
बिल्कुल साफ सुथरी है। अभी बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और डोर खोलें सर। ओके तो ये इस गाड़ी की डोर्स हैं, डोर्स की सील देख लें, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद है। नीचे से थोड़ा सा मुझे कलर रिपेयर नज़र आ रहा है और यहाँ से भी देख लें इस गाड़ी को, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। सीट्स पे जो है न्यूली कवर इंस्टॉल करवाए हैं और डोर्स इस गाड़ी के पावर हैं, एंड्रॉयड पैनल वगैरह इस गाड़ी में लगा हुआ है और डोर्स इस गाड़ी के पावर मिल जाएंगे। अभी पूछ लेंगे स्टेयरिंग भी इस गाड़ी का पावर है क्या नहीं। और ये डोर्स देख सकते हैं इस गाड़ी में पावर लगे हुए हैं, एंड्रॉयड पैनल इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, चेक कर सकते हैं। साथ में नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है। 2008 का ये मॉडल है, टायर सुकोरे। अच्छा ये तो बोनट बंद है, मैं खोल के आप लोगों को इंजन भी चेक करा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इस गाड़ी का इंजन रूम है, ड्राई बैटरी वगैरह लगी हुई है इसमें, जंप साइड की मुखियाँ चेक कर सकते हैं आप लोग। ये इस गाड़ी की गाड़ी साइड है फ्रंट की, ये भी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ये इस गाड़ी के जो हैं बोनट की सील्स, ये भी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बाकी बढ़ते हैं ऑनर की तरफ, पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सवार 2008 का मॉडल है जी भाई। गाड़ी बाहर से शावर्ड है, नीचे शावर है, छत पिलर जेनियन, छत पिलर इस गाड़ी के जेनियन है। डिगी भी शावर है, डिगी शावर है। ठीक है सर जी, कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी में नहीं है, ग्रुप का काम नहीं है, क्लियर पेपर में क्लियर है, सॉरी सेकंड ओनर है, क्लियर है, सीपीएलसी वगैरह सब क्लियर है। एवरेज वाइज क्या रहती है पायलट के हिसाब से? एवरेज तो छोटी गाड़ी है, बहुत अच्छा एवरेज रहती है, 13-14 के हिसाब से देती होगी। ठीक है, नंबर अपना शेयर करें। 03102386333 से। नाम और लोकेशन सर? मोहम्मद आकिब, गुलशन तेराडी। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया आकिब भाई, थैंक यू। मोहम्मद आकिब भाई के पास गाड़ी मौजूद है, गुलशन तेराडे की लोकेशन है, 2008 का मॉडल है, छत से जेनियन है, पिलर जेनियन है इस गाड़ी के, बाकी नीचे से साइडों में से गाड़ी की शावर है, डिगी भी इस गाड़ी की शावर मिलेगी। डायर सुकोर 2008 का मॉडल है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे में कौन कौन सी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं और गाड़ियाँ भी आ रही हैं। टाइम तकरीबन हो गया है 4:11, गर्मी बड़ी टाइट चल रही है आज। अभी देखते हैं आगे में कौन कौन सी गाड़ियाँ देखने को मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, ज़बरदस्त अपडेट हमारे सामने है, 2005 का मॉडल है। अच्छा जी, गाड़ी की आउटसाइड की कंडीशन की बात करते चलें तो आउटसाइड से गाड़ी हमें शावर मिलेगी और इंटीरियर से पूरी गाड़ी है जेन्युइन है। तो इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इंजन इस गाड़ी का चेंज है, लेकिन बुक पर अपडेट मिलेगा। गाड़ी माशा से बिल्कुल साफ सुथरी है और पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो में है। तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ। टायर्स इस गाड़ी के चारों डबल इस कंडीशन में देखने को मिलेंगे, अलवर में लगे हुए हैं इस गाड़ी में। और बनस्बत मेहरान की अगर देखा जाए तो ये गाड़ी थोड़ा सा बेहतर लगती है और जैपनीज़ गाड़ी है ये भी, तो नो डाउट गाड़ी माशा से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। चारों टायर इस गाड़ी के बिल्कुल सेम कंडीशन में मौजूद हैं और ये इस गाड़ी की जो है विंडस्क्रीन है, विंडस्क्रीन से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। सही, तो आ जाते हैं इस गाड़ी के बोनट की तरफ। बोनट भी हमें अच्छी कंडीशन में देखने को मिला, कोई लाइन स्क्रैचेस नहीं है। तो ये इस गाड़ी के साइड लुक्स हैं, साइड लुक से भी माशाल्लाह से बिल्कुल ये साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, क्योंकि यहाँ जगह इतनी कम है कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल बराबर गाड़ियाँ लगी, तो इस वजह से मैं आप लोग से इतना से नहीं दिखा पा रहा था, इतना से दिखा पाऊँ गाड़ी है। आ जाते हैं बैक साइड पे, यहाँ पे बैक साइड की लाइट्स की बात करें तो ये फेड हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इस साइड वाली जो लाइट है ये हमें बिल्कुल साफ मिल रही है और ये लाइट थोड़ी सी साफ मिल रही है, लेकिन ये भी थोड़ी बहुत क्रेक मिल रही है। बाकी यहाँ से बम्पर की साइड की बात करें तो बम्पर यहाँ पे जो ड्राइवर साइड वाला एरिया है इस साइड पे हमें थोड़ा सा टचअप में मिल रहा है, तो बाकी इस साइड का बम्पर ये बिल्कुल साफ मिल रहा है। शेवरलेट कंपनी की गाड़ी है, चेक कर सकते हैं, चेरी बोलते हैं शेवरलेट कंपनी की। बाकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में बैक साइड है और यहाँ पर बैक वाइपर भी हमें देखने को मिल रहा है और ये इस गाड़ी के जो हैं पैसेंजर साइड वाले डोर। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ, ये इसकी जो है डोर्स की सील्स हैं, ये भी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ये इस गाड़ी के जो है इंटीरियर है, सीट्स पे लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल्ड हैं। और आ जाते हैं थोड़ा सा फ्रंट साइड पे, ये इस गाड़ी के जो पैसेंजर साइड वाले डोर फ्रंट पे, और यहाँ चेक कर सकते हैं पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग है और लेदर कवर वगैरह सीट्स पे लगी हुई हैं। आ जाते हैं ड्राइवर साइड पे भी, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं डोर्स बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद हैं। यहाँ से देख सकते हैं पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग में, और ये सीट्स हैं इस गाड़ी की,
इंटीरियर से गाड़ी पूरी जेन्युइन है, लेकिन आउटसाइड से शावर है। आजाने हो जाएं उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं यार। अच्छा जी, तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के जो है इंजन रूम की तरफ, और इंजन रूम भी शेयर कराए देते हैं भाई के साथ। तो ये इस गाड़ी का इंजन रूम है, और चेक कर सकते हैं आप लोग। इंजन इस गाड़ी का वैसे चेंज है, बुक अपडेट है, और इंजन रूम से सर्विस नहीं की हुई गाड़ी। वैसे एसी वगैरह इस गाड़ी में लगा हुआ है, तो पूछ लेंगे ओनर से एसी वगैरह ऑन है कि नहीं है। ये बोनट की सीट वगैरह देख लें आप लोग, और एक नज़र फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस गाड़ी का जो है फ्रंट दिखा देता हूँ, चेक कर लें। शावलेट 2005, और साइडें देख लें इस गाड़ी की, पूछ लेते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की आप? इसकी 6.5 लाख, 6.5 लाख रुपए डिमांड करें। आउटसाइड से गाड़ी शावर है, ये अंदर से ओरिजिनल है, बाहर से शावर है, ठीक है। इंजन चेंज है, 800 सीसी अपना ही जला हुआ है, शेवरलेट का। बुक पे अपडेट है? बुक पे अपडेट है। अच्छा, टैक्स क्लियर है इसका। नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है, नंबर प्लेट ओरिजिनल है। इसकी पेट्रोल एवरेज क्या रहती है पर लीटर के हिसाब से? घर के लिए गाड़ी परचेज करना चाहता है, 16-17 देती है। एसी ऑन है इसका, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है। कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज? कोई भी काम नहीं इंशाल्लाह। ठीक है सर जी, नंबर अपना शेयर कर दीजिएगा। 0313 जी जी 6608 949। नाम और लोकेशन सर? वकास अहमद, नॉर्थ कराची। ठीक है वकास भाई, बहुत शुक्रिया। शानी ब्लॉग्स के नाम से हमारा चैनल है, अगर उस चैनल के थ्रू कोई भी कॉल आती है फिर अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा। थैंक यू वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम, एक ज़बरदस्त एल्टो हमारे सामने है, 2012 का मॉडल है, सिल्वर कलर में गाड़ी ये मौजूद है। इस गाड़ी का फ्रंट साइड का पैसेंजर वाला जो फेंडर है वो टचअप है, इसके अलावा पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी। तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ, पूरी गाड़ी आप भाई के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद ओनर के साथ मिलकर प्राइस की गाड़ी की वो भी आप भाई के साथ शेयर कर देंगे। अच्छा जी, तो इस गाड़ी के जो है टायर्स की बात करें, तकरीबन इस गाड़ी के टायर्स हैं जो 70% के आसपास या 60% के आसपास गुड कर सकते हैं, और जो है अलवरम हमें देखने को मिल रहे हैं टायर्स में। और साइडें इस गाड़ी की देखते चले हैं, अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा फ्रंट साइड की तरफ। यहाँ पे लाइट्स देख लें फ्रंट साइड की, ये हमें बिल्कुल साफ मिल रही है देखने को। ग्रिल साइड भी सही है इस गाड़ी की, और ये सेकंड फ्रंट साइड की जो लाइट है ये भी बिल्कुल साफ है। ये वाला फेंडर इस गाड़ी का टचअप, इसके अलावा पूरी गाड़ी जेन्युइन है, और ये इस गाड़ी की विंडस्क्रीन है, विंडस्क्रीन भी साफ है, कहीं से टूटी हुई क्रेक वगैरह नहीं है। आ जाते हैं इस गाड़ी की जो है फ्रंट साइड से भी हमें गाड़ी साफ मिल रही है देखने को, और ये इस गाड़ी की साइड से चेक कर लें, ये चेक करते चलें। साइड में सिर्फ बैक डोर पे जो है हल्की पुल्की जो है कलम मिल रही है हमें, एक साइड पे जहाँ पे हैंडल है वहाँ पे देख लें, और आ जाते हैं बैक साइड के जो लाइट्स की तरफ, लाइट्स हमें बिल्कुल साफ मिल रही है देखने को, और बम्पर साइड भी देखते चलें इस गाड़ी की। और ये इस गाड़ी की सेकंड लाइट्स हैं, ये भी हमें बिल्कुल साफ मिल रही देखने को। सही, तो ये इस गाड़ी की जो है बैक स्क्रीन है, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई अल्टो वगैरह की, तो अल्टो हम लोग ऐड कर रहे हैं, और अल्टो की कोशिश करते हैं एक अलग सी वीडियो भी अपलोड कर दें, चार पांच गाड़ियां ऐड करके आप बाइक के लिए। चेक कर लें साइड वाली लोग, यहां से भी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। तो आ जाते हैं इस गाड़ी के डोर्स की तरफ, डोर्स की सील्स आप लोग चेक कर लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। तो यहां से ये साइडें भी आप लोग चेक कर लें, फुटवेयर की साइड भी। तो यहां पे देख सकते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में लेदर का वगैरह सीट्स पर लगी हुई हैं, और थ्रू आउट गाड़ी पेट्रोल पे, पीछे वाला जो आप डिग्गी वाला हिस्सा वो खाली है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस गाड़ी की जो है डैशबोर्ड साइड, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, नॉर्मल टायर सिस्टम वगैरह लगा हुआ है। ये डैशबोर्ड साइड है इस गाड़ी की, चेक कर लें इस गाड़ी को। अभी पार्टी आई हुई है और चेक कर रही है पार्टी गाड़ी को, बाकी देख सकते हैं आप लोग। तकरीबन टाइम हो रहा है 5:32, देख सकते हैं गाड़ियां आप लोग भी आ रही हैं यहां पे। अभी पार्टी चेक कर ले उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सही, तो पार्टी बड़ी जांच पड़ताल से चेक कर रही है, वो फिर पार्टी की मर्ज़ी, अगर आप भी आएँ तो इसी तरह चेक करें भाई, ऐसी बात आप पैसे दे रहे हैं। अच्छा जी, तो ये इस गाड़ी का इंजन रूम है, जंप सेट की मुखियाँ चेक कर सकते हैं आप लोग, ड्राई बैटरी वगैरह लगी हुई है, 2012 की सुजुकी एल्टो है। अच्छा जी, तो ये इस गाड़ी के फ्रंट की गाड़ी साइड ये भी चेक कर लें साथ साथ, और चेक कर लें। बाकी बढ़ते हैं अभी ओनर की तरफ, और ओनर के साथ मिल के मज़ीद जो डिटेल भी आप भाई साथ चेक कर दें। ये इस गाड़ी का फ्रंट लुक है, 2012 की सुजुकी एल्टो है, और पार्टी आई थी, उसका कहना था कि मेरी जो है ये गाड़ी जो है शावर्ड में है, और ऑनर कह रहे हैं सिर्फ 21 टचअप है। फिर अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं पार्टी चेक कर रही है, जाहिर सी बात है अगर आप लोग भी गाड़ियों को
लेने देने का काम करते हैं भाई, आप भी इसी तरह चेक कर सकते हैं गाड़ी को। जाहिर सी बात है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लाखों रुपए की, तो भी गाड़ी ये चेक करनी चाहिए, जिस तरह गाड़ी की कंडीशन है उस हिसाब से पैसे बोलने चाहिए। बाकी देखते हैं अभी कस्टमर थोड़ा सा फ्री हो जाए, ऑनर थोड़ा फ्री हो जाए, तो फिर बात करते हैं, गाड़ी की डिटेल वगैरह शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की आप? इसकी डिमांड है 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये 2012। डॉक्यूमेंट्स में क्लियर है सर? कोई काम सस्पेंशन इंजन हुआ इस गाड़ी में? एक पीस टचअप है। अच्छा जी, तो इस गाड़ी की ये जो है डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है सर? जी। नंबर प्लेट दोनों जेनवन मिलेंगी? एवरेज वाइज क्या रहती है पलट के हिसाब से गाड़ी? 13-14 रहती है। ये अपने इंजन पे कितना चली हुई है सर गाड़ी रोड लिए? 1,60,000। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0314 जी सर 0361 55। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद समीर। समीर भाई कहाँ की लोकेशन है? ये ब्लॉक 21 फेडरल बी एरिया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 21 की लोकेशन है। ठीक है समीर भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये समीर भाई के पास गाड़ी मौजूद है, 2012 का मॉडल है सुजुकी एल्टो। एक पीस इस गाड़ी का टचअप है, इसके अलावा जो है गाड़ी कह रहे हैं कि जेन्युइन है। बाकी देख लें अपने हिसाब से, आप लोग गाड़ी अगर परचेस करने आते हैं तो फिर अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक करके परचेस करें। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या बात है, पूरी गाड़ी हमें जेन्युइन ही मिल रही है भाई। जैसे वीडियो बनाना स्टार्ट किए शायद एक गाड़ी हमें टचअप में मिल रही है, बाकी इसके अलावा पूरी गाड़ी जेन्युइन भी देखने को मिल रही है। तो ये गाड़ी है 2012 का मॉडल, ये भी पूरी गाड़ी भाई बता रहे हैं कि जेन्युइन है। और अभी इस गाड़ी का रिव्यू करते हैं, पूरी डिटेल लेते हैं भाइयों को उनके नंबर के साथ। तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ। तो ये इस गाड़ी के टायर्स हैं लोयरम हमें देखने को मिल रहे हैं, तकरीबन कह सकते हैं 80-90% के आसपास टायर्स इस गाड़ी के जो है गुड कंडीशन में मौजूद हैं। फ्रंट साइड की तरफ आ जाते हैं, या लाइट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। इस गाड़ी की लाइट्स में हमें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मिल रही है। ग्रिल साइड से देख सकते हैं आप लोग, सुजुकी लोगो वगैरह लगा हुआ है इस गाड़ी में। सुजुकी बोलान है ये 2012 का मॉडल। विंड स्क्रीन की बात करें तो विंड स्क्रीन भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ मिल रही है, कहीं से टूटी हुई क्रेक वगैरह नहीं है। तो ये इस गाड़ी के साइड लुक्स हैं, साइड लुक्स भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। और टोटल गाड़ी ये जेन्युइन है, 2012 का ये मॉडल है, और नो डाउट गाड़ी जेन्युइन लग रही है। फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। बैक साइड पे जो हमें सपोर्ट गार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बाकी बैक साइड की लाइट्स की बात करें तो दोनों लाइट्स इस गाड़ी की जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। बैक स्क्रीन भी गाड़ी की बिल्कुल साफ़ है, सुजुकी बोलान है ये। ये 2012 का मॉडल है, और ये गाड़ी की साइडें देखते चलें। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ। ओके, तो ये इस गाड़ी का इंटीरियर है। इंटीरियर से पूरी गाड़ी है जेन्युइन है, एक फ़ैन इंस्टॉल है, और एक स्पीकर रखा हुआ है, नॉर्मल टाइप सिस्टम लगा हुआ है इस गाड़ी में। नो डाउट गाड़ी मशीन से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। मॉडल 2012 का है, सुजुकी बोलान है। तो चलते हैं फ्रंट डोर की तरफ। ये इस गाड़ी का फ्रंट डोर है, फ्रंट डोर की सील वगैरह भी देख लें, बिल्कुल साफ सुथरी टंकलिंग कंडीशन में मौजूद है। टायर्स वगैरह चेक कर लें, चारों टायर सेम ही कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तकरीबन 58,000 किलोमीटर चली हुई, ये देख लें 58,000 किलोमीटर चली हुई। नॉर्मल टाइप सिस्टम लगा हुआ है इसमें। सीट्स वगैरह देख लें इस गाड़ी की। एक नज़र से मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्रंट का व्यू दे देता हूँ इस गाड़ी का। 2012 का ये मॉडल है, सुजुकी बोलान। देख सकते हैं पूरी लाइनें सुजुकी बोलान की हैं, और इस साइड भी देख सकते हैं सुजुकी बोलान ही है सारी, कितनी भी खड़ी हैं सब सुजुकी बोलान ही खड़ी हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तो पार्टियाँ वगैरह आई थी, अभी ऑनर फ्री हो जाते हैं तो उसे जो है मालूम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की आप? 12 लाख। 2012 का मॉडल है, गाड़ी टोटल जेन्युइन है? टोटल जेन्युइन। पेपर क्लियर है? क्लियर। कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी में? काम नहीं है, कार जैसी है चला। ठीक है सर जी, बाकी इस गाड़ी की पेट्रोल एवरेज बता देंगे घर के लिए गाड़ी परचेस करना चाहिए तो? एवरेज अच्छा है, क्या रहता है? फ्री भी 12-13 किलोमीटर चलते हैं पर लीटर के हिसाब से। जी ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दें। 0300 जी सर 2237815। क्या नाम है आपका? बादशाह। कहाँ की लोकेशन है सर? कटी पहाड़ी की लोकेशन है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, ये तो 2012 का मॉडल है, 12 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। बादशाह भाई का नाम है और कटी पहाड़ी की लोकेशन है, तो देख लें गाड़ी आप लोगों के सामने है। टोटल गाड़ी ये जेन्युइन है,
मॉडल 2012 का ही है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, सुजुकी बोलान की साइड है, सारी सुजुकी बोलान आई है। नए पुराने मॉडल सब आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, मॉडिफाइड मिल सकती हैं, ओरिजिनल गाड़ियाँ मिल सकती हैं। तो अभी की वीडियो में जितनी भी गाड़ियाँ हम लोग कवर कर रहे हैं तकरीबन हमें ओरिजिनल गाड़ियाँ मिली हैं यहाँ पे। बाकी देखते हैं आगे हमें कौन कौन सी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, आप भाई के लिए गाड़ियाँ कवर करते हैं और देख लें। सुजुकी बोलान ही सुजुकी बोलान है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, सुजुकी बोलान है 2022 का मॉडल है भाई, 2022 की सुजुकी बोलान आ गई है और गाड़ी टोटल जेन्युइन है। तो पूरी गाड़ी आप भाइयों के साथ जो वीडियो में शेयर करते हैं उसके बाद फिर ओनर का नंबर जो है पूरी डिटेल के साथ आप भाइयों के साथ शेयर कर देंगे। अच्छा ही तो बढ़ते हैं इस गाड़ी की सबसे पहले टायर्स की तरफ। टायर्स की बात करें तकरीबन 80% के आसपास टायर्स गुड कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर्स गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हैं और ये इस गाड़ी के फ्रंट साइड की तरफ आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं इस गाड़ी में सपोर्ट गार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है फ्रंट पे हमें, और दोनों लाइट्स इस गाड़ी की माशाल्लाह से चमचमाती हुई कंडीशन में मौजूद हैं। 2022 का ये मॉडल है और देख सकते हैं इस गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन ये भी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है, कहीं से टूटी हुई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। आ जाते हैं इस गाड़ी के पैसेंजर साइड वाले दरवाजे की तरफ, यहाँ से देख सकते हैं कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई डॉट स्पॉट वगैरह नहीं है। मॉडल 2022 का है सुजुकी बोलान। अच्छा ही तो ये इस गाड़ी की जो पैसेंजर साइड लोग चेक कर लें और आ जाते हैं बैक साइड की तरफ, यहाँ से हमें जो बैक साइड पे सपोर्ट गार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आ जाते हैं बैक साइड की लाइट्स की तरफ, यहाँ से भी देख सकते हैं लाइट्स बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। बैक स्क्रीन भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ़ है और जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं सुजुकी बोलान ऐड करें कोई अच्छी गाड़ी, तो ये ऐड कर रहे हैं भाई। गाड़ी अच्छी है, मॉडल भी 2022 का है, टोटल गाड़ी ये जेन्युइन है। ये नहीं टोटल जेन्युइन है मेरे कहने से, भैया आप लोग गाड़ी परचेज करना है तो अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। तो ये गाड़ी देख सकते हैं सुजुकी बोलान 2022 का ये मॉडल। बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ, इसका इंटीरियर शेयर कर देते हैं। अच्छा इंटीरियर की बात करें तो फैन वगैरह ऊपर इंस्टॉल मिल रहे हैं हमें देखने को, लाइट्स वगैरह लगी हुई है इस गाड़ी में, मॉडिफिकेशन फुल की हुई है इस गाड़ी में जिससे गोपर वगैरह हो जाता है और सीट्स वगैरह जिसमें जो मॉडिफिकेशन हो जाती हैं देख सकते हैं आप लोग। मॉडल 2022 का है और ये खर्चा भी तकरीबन 1,00,000 से ऊपर का होता है। गाड़ी के फर्श वगैरह जो है इस गाड़ी में लगा हुआ है ये कर सकते हैं आप लोग, और 12 इंच के मेरे ख्याल में 2 12 इंच के स्पीकर लगे हैं, 14 इंच का एक बूफर लगा हुआ है इस गाड़ी में। आ जाते हैं फ्रंट डोर की तरफ, यहाँ पे सीट्स वगैरह चेक कर सकते हैं फ्रंट डोर की आप लोग, बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद हैं। कितना चली हुई है सर गाड़ी ये टोटल? 19,000 किलोमीटर गाड़ी टोटल चली हुई है। 2022 का ये मॉडल है सुजुकी बोलान, टोटल गाड़ी आप आएँ को ये जेन्युइन देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा पैसेंजर वाला साइड वाला डोर दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलके प्राइस के गाड़ी की वो भी शेयर करा दूँगा। ये है जी पैसेंजर साइड वाला डोर, सीट्स वगैरह चेक कर लें, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में मौजूद हैं। अच्छा तो ये डैशबोर्ड है इस गाड़ी का, चेक कर सकते हैं टैप सिस्टम वगैरह लगा हुआ है इसमें, नो डाउट माशा से बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की आप? 17 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। पेपर में क्लियर है सर गाड़ी? कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज क्या देती है पर लीटर के हिसाब से सर गाड़ी? ये अगर घर के हिसाब से लेना है, घर के लिए लेना चाहे कोई गाड़ी है, इसकी पेट्रोल एवरेज क्या रहती है लीटर के हिसाब से? जी मतलब कि 13-14 के हिसाब से लीटर के एवरेज दे देगी ये। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा जी सर। 03-12-000-53-11 क्या नाम है आपका सर? कहाँ की लोकेशन शाहरुख भाई? नाजमाबाद। ठीक है सर, शाहरुख भाई एक बार डिमांड रिपीट कीजिएगा। इसमें कोई कमी पेशी हो जाएगी 17 लाख में? सीरियस बायर होगा तो बात हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, हुंडई सेंट्रो हमारे सामने है और बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। टोटल गाड़ी ये जेन्युइन है और वाइट कलर में गाड़ी मौजूद है और ओरिजिनल CNG कंपनी फेट लगा हुआ है इस गाड़ी में। बाकी नो डाउट गाड़ी की कंडीशन है जैसे कि वीडियो में नज़र आ रही, रियल में भी आप भाइयों को जो इसी तरह ही देखने को मिलेगी। बाकी बढ़ते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ, पूरी गाड़ी आप भाइयों को वीडियो में दिखाते हैं उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या गाड़ी की वो आप भाइयों के साथ शेयर कर देंगे। अच्छा जी, तो नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर्स गाड़ी के अंदर लगे हुए तकरीबन कह सकते हैं कि 80% के आसपास टायर्स इस गाड़ी के जो है गुड कंडीशन में मौजूद हैं।
और ये इस गाड़ी की लाइट्स हैं, लाइट्स भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। आ जाते हैं ग्रिल साइड पे, ग्रिल साइड पे इस गाड़ी की जो है बिल्कुल साफ़ मिले हमें देखने को, दोनों लाइट्स इस गाड़ी की साफ़ हैं। बाकी स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन बिल्कुल साफ़ है, कहीं से टूटी हुई स्क्रैच वगैरह नहीं। तो आ जाते हैं इस गाड़ी के जो इंजन रूम पे, भाई ओनर ने इंजन रूम भी इस गाड़ी का खोल दिया है और इंजन रूम से नो डाउट गाड़ी बिल्कुल चमचमाती हुई कंडीशन में खड़ी हुई है। ये कई इंजन 1000 cc इंजन में मेरे ख्याल में ये गाड़ी, और नो डाउट इंजन रूम से गाड़ी बता रही है कि गाड़ी कितनी जेन्युइन है। ड्राई बैटरी लगी हुई है, एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ड्राई बैटरी गाड़ी में लगी हुई है। ये आप लोग लगवा लें अगर गाड़ी की जो नहीं लगी हुई आपकी, क्योंकि ये अगर ड्राई बैटरी नहीं होती तो यहाँ की जो पानी वगैरह बैटरी का निकल के आपके जो है गाड़ी के जंप साइड की मक्के की तरफ चला जाता है, वो फिर रस्टेड हो जाता है। अच्छा ये तो ये गाड़ी की बोनट की सील्स हैं, ये भी देख लें बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। फ्रंट साइड की गाड़ी है वो भी बिल्कुल साफ़ है। थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ मैं आप, ये देख लें इस गाड़ी का इंजन रूम। अच्छा ये तो आ जाते हैं इस गाड़ी की पैसेंजर साइड पे, यहाँ पे एक लाइन है लेकिन लाइन पे पूरा कलम किया हुआ है, पूरी रगड़ है एक लेकिन उस पर कलम किया हुआ है। और गाड़ी ओनर के बकौल पूरी चेनिन है, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। और आ जाते हैं इस गाड़ी के बैक साइड पर, यहाँ पर चेक कर सकते हैं बैक साइड की लाइट्स, ये भी हमें बिल्कुल साफ़ मिल रही हैं देखने को। यहाँ पे बैक साइड स्क्रीन पे जो है वाइपर का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। और 1000 cc इंजन में ये हाई इंजन होता है इन गाड़ी के अंदर, और थ्रू आउट गाड़ी ये मतलब कि अभी पेट्रोल पे भी यूज़ कर सकते हैं, CNG भी, लेकिन इस गाड़ी के अंदर CNG जो है कंपनी फिटेड लगा हुआ है। अच्छा जी तो आ जाते हैं इस गाड़ी के जो है इंटीरियर की तरफ, पहले तो इस गाड़ी के डोर्स वगैरह है वो चेक कर लें और डोर्स की सील देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। इसमें एक सादी आती है, एक जिक्टिप आती है, जिक्टिप वो है पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो और गाड़ी की जो है स्टेयरिंग पावर मिलेगी, लेकिन इस वाली में जो आपको शादी में थोड़ा सा डैशबोर्ड भी क्लोज करके दिखाया था, इस गाड़ी का डैशबोर्ड है, नॉर्मल टाइप सिस्टम वगैरह लगा हुआ है इस गाड़ी में। सीट्स वगैरह चेक कर लें, कुशन वगैरह लगे हुए हैं सीट्स पर। आ जाते हैं फ्रंट डोर की तरफ, फ्रंट डोर चेक कर लेते हैं इस गाड़ी का, ये इस गाड़ी का फ्रंट डोर है और ये फ्रंट डोर की सीट्स वगैरह देख लें और यहाँ से चेक कर लें। गाड़ी नो डाउट जेन्युइन है काफ़ी हद तक, फिर भी ओनर के साथ मिलकर आप लोग बेहतर पूछ सकते हैं। 1,43,000 गाड़ी टोटल चली हुई है। सीट्स आप लोग चेक कर लें इस गाड़ी की, सीट्स गाड़ी में जो कुशन है वो अच्छे लगे हुए हैं और वाइट कलर में गाड़ी मौजूद है। बाकी बढ़ते हैं ओनर की तरफ, पूछते हैं गाड़ी की प्राइस का और कितने में देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड रखी है इस गाड़ी की आपने? भाई ये फाइनल 9.5 लाख रुपए में देनी है। 2007 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। पेपर में क्लियर है सर? पेपर क्लियर है, सील्ड इंजन है इसका, अभी तक इंजन नहीं खुला, एसी इसका चिल्ड है बिल्कुल, फैक्ट्री फिटेड, इसमें CNG लगी हुई है और क्लब GV वेरियंट है ये। एसी से CNG पेट्रोल पे दोनों, पेट्रोल CNG दोनों पे गाड़ी एवरेज क्या रहती है दोनों की? पेट्रोल पे दे रही है 16 का एवरेज दे रही है और CNG पे 20 का एवरेज दे रही है। 20 का एवरेज दे रही है, कोई काम सस्पेंशन किसी किस्म का कोई काम नहीं है, ओरिजिनल हालत गाड़ी है। ठीक है सर, से हमारे पास ये नंबर प्लेट दोनों जनवन है सर? नंबर प्लेट दोनों ओरिजिनल है। ठीक है जी, और गुलशन इकबाल की लोकेशन है। नाम सर आपका? मेरा नाम जहाजेब है। नंबर अपना शेयर कर दीजिए जी। मोबाइल नंबर है 03152637384। ठीक है जानते भाई, बहुत शुक्रिया, अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से गाइड कर लीजिएगा। थैंक यू।